दिल्ली से सामने आ रही है बड़ी खबर, राधिका खेड़ा ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। ये बड़ी खबर, राधिका खेड़ा ने दो दिन पहले कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। सजा मिलती आई है कांग्रेस पार्टी में, लगातार में सहती आई थी। हमेशा से मैं ये सोचती थी जब लोग कहते थे कि कांग्रेस राम जी की विरोधी नहीं है, क्योंकि हम तो समझते थे कि कांग्रेस पार्टी तो महात्मा गांधी जी की पार्टी है, जहां पे हर सभा की शुरुआत रघुपति राघव राजा राम से होती थी। लेकिन आज की कांग्रेस महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं, आज की कांग्रेस राम जी की विरोधी कांग्रेस है, हिंदू की विरोधी कांग्रेस है। मेरी जननी जो खुद इतनी बड़ी राम भक्त है, जिनको लेके मैं रामलला के दर्शन करने गई, मेरा पूरा परिवार राम भक्त है, और जब राम मंदिर बना और मूर्ति की स्थापना हुई, जिस तरीके से हमने अपने घर में उसको मनाया, उसको लेकर जितना कष्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हुआ, और उसके चलते जिस तरीके से एक षड्यंत्र मुझे मेरे खिलाफ रचा गया, और माता कौशल्या के धरती पे राम जी के ननिहाल में मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया, उससे पीड़ित होके आज मैं बोलते हुए भी ये कांप रही हूं जब मैं उस पल को वापस जीती हूं। ये सिर्फ मोदी जी की गारंटी की सरकार थी कि बेटी वहां सुरक्षित थी और वहां से सुरक्षा से यहां पर पहुंच सकी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं नरेंद्र मोदी जी का, श्री अमित शाह जी का, और साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं रामलला के इतने विशाल परिवार का आज हिस्सा बन सकूं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकूं।